अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपको ट्राउज़र का एक और नया डिज़ाइन बनाकर दिखाएंगे। ये हमारा ट्राउज़र है। ट्राउज़र को सेंटर से हमने कट कर लिया है और अब हम ट्राउज़र के लेफ़्ट साइड पर यहाँ पर हम पिनटेक्स डालेंगे बारीक बारीक। इस वाले पार्ट को हम हटा देंगे और यहाँ पर हम सबसे पहला मार्क करेंगे 4 इंच के गैप पर और बाकी के मार्क हम 1-1 इंच के गैप पर करेंगे। यहाँ पर हम बारीक बारीक पिनटेक्स डालेंगे ऐसे। हमने एक पिनटेक्स डाल लिया है और अब इसके ऊपर हम 1 इंच के गैप पर यहाँ पर दूसरा पिनटेक्स डालेंगे। अब इसी तरह से हम सारे पिनटेक्स डालेंगे और ये हमने सारे पिनटेक्स डाल लिए हैं। टोटल हमने 9 पिनटेक्स डाले हैं और अब हम ट्राउज़र का ये दूसरा साइड लेंगे। दोनों को हम ऊपर से बराबर करके सेंटर से स्टिच कर लेंगे। एक साइड हमारी 1.5 इंच बढ़ जाएगी, उसको हम बाद में कट कर लेंगे। सेंटर से स्टिच करने के बाद जो साइड हमारी बड़ी होगी, जिस पर हमने पिनटेक्स नहीं डाले, उसको हम कट कर लेंगे। और अब इसके बाद हम ट्राउज़र का पैंचा फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे तकरीबन 1.5 इंच का। ट्राउज़र का पैंचा हमने फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। अब हम पेपर लेंगे और पेपर के ऊपर हम ऐसे टेढ़ा मार्क करेंगे तकरीबन 10.5 इंचेस का। और अब हम यहाँ पर लीफ की शेप बना लेंगे इस तरह से। ऐसे लीफ की शेप बनाने के बाद हम ये कट लेंगे। इस कट की चौड़ाई हमने 1.5 इंचेस ली है। अब इस कट को हम यहाँ पर लीफ के ऊपर जो हमने निशान लगाया है उसके ऊपर ऐसे रखेंगे और कट बना लेंगे इस तरह से। कट के लिए मार्क कर लेंगे। ये देखिए, ऐसे हमने एक साइड पर कट के लिए मार्क कर लिया है और अब हम अपने पेपर को कट कर लेंगे लीफ की शेप में। ऐसे हमने लीफ को कट कर लिया है। इसी तरह से सेम हमने बुकरम पर भी लीफ को कट कर लिया है। और अब हमने ये वाइट कलर का फैब्रिक लिया है अपने ट्राउज़र के साथ का। इसके ऊपर हम लीफ को रखेंगे और बुकरम के साथ साथ हम फैब्रिक के ऊपर मार्क कर लेंगे। ऐसे हमने फैब्रिक के ऊपर मार्क कर लिया है। ये देखें, ऐसे दोनों साइड से हमने मार्क करके लीफ की शेप बना ली है। और अब हम इसके सेंटर में यहाँ पर निशान लगा लेंगे ऐसे। ये सेंटर में निशान लगाने के बाद हम सेंटर में पिनटेक्स डालेंगे इस शेप में।
ऐसे। और इसके ऊपर यहाँ पर हम दूसरा पिन टैक्स डालेंगे। इसी तरह से हम पूरी शेप में पिन टैक्स डालेंगे। ऐसे हमने पिन टैक्स डालनी है और ये हमारा सेंटर है। अब हम सेंटर में एक पिन टैक्स डाल लेंगे यहाँ पर, जो हमने सेंटर में निशान लगाया था वहाँ पर हम ये पिन टैक्स डालेंगे। सेंटर में पिन टैक्स डालने के बाद हम बुकरम लेंगे, जो हमने लीफ कट किया था उसको हम यहाँ बैक साइड पर पेस्ट कर लेंगे। ऐसे हमने बुकरम को बैक साइड पर पेस्ट कर लिया है। और अब हम एक और सादा फैब्रिक लेंगे, इस फैब्रिक को हम नीचे रखेंगे और बुकरम की साइड से हम बुकरम के साथ साथ से स्टिच कर लेंगे। ऐसे स्टिच करने के बाद हम फैब्रिक को साइड से कट कर देंगे। और इन सब कॉर्नर्स में हम कट लगा लेंगे। इसके बाद जो नीचे हमने ये सादा फैब्रिक स्टिच किया है इसको हम सेंटर से कट कर लेंगे और अब हम ऐसे इसको सीधा कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से सीधा करके हम इसको प्रेस कर लेंगे। लीफ को हमने सीधा करके प्रेस कर लिया है और ये इसकी बैक साइड है। अब हम अपना ट्राउज़र लेंगे, जो ट्राउज़र का हमारा सादा साइड है जहाँ पर हमने पिन टैक्स नहीं डाले वहाँ पर हम ऐसे लीफ को रखेंगे और यहाँ पर हम स्टिच कर लेंगे। और ये हमारा ट्राउज़र का पैंचो रेडी हो गया। इस तरह से हम लीफ पर पर्स को हैंड स्टिच कर लेंगे। लास्ट में हम ट्राउज़र की फिटिंग कर लेंगे। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।